अल्लाह मिला तो सस्ता सौदा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बेटा तेरे ज़बह होने का हुक्म हो चुका है, क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा जल्दी करो, या अब अतफ़ाल, अब्बा जल्दी करो। तो इब्राहिम समझे कि शायद ये पता नहीं चला इसे, बेटा तुम्हें खबर है मैं क्या कह रहा हूं? कहा खबर है, बड़ा अच्छा सौदा है, आपके बदले में अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह आपसे ज्यादा बेहतर है, दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चों का ख्याल, हां मेरी मां को जरूर तकलीफ होगी, तो अपना कुर्ता उतारा और अपने बाप को दिया कि यह कुर्ता आपने मेरी अम्मा को देना है, जब मुझे कभी याद करेगी तो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, तसल्ली हो जाएगी। और आपने अपने कुर्ते में मुझे कफन देके इधर ही दफन कर देना है, उधर नहीं ले जाना वो मक्के की तरफ, कि मेरी मां को वहां तकलीफ होगी, मेरा कटा सर देखकर बगैर सर के पूरा धड़ वो उसको तकलीफ होगी। ऐसे इत्मीनान से चुके, और ज़बा होने वाला भी ऐसी बातें करता है, बाबा मेरे हाथ भी बांध दे, मेरे पांव भी बांध दे, कि मुमकिन है जब तू छुरी चलाए और मेरा हाथ पांव हिले तो तुझे लग के तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पैसे में चैन होता, जिंदगी में चैन होता नहीं, अल्लाह को पाने में चैन है, और उधर वो भी अल्लाह को ढूंढ रहा है। अरे मेरे भाइयों, 60 बरस की दुआ के बाद बेटा मिला, 60 बरस दुआ मांगी, औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे, 60 साल के बाद औलाद हुई, 84 साल की उम्र में, 80 से 84 बरस की उम्र में के दरमियान बच्चा हुआ है। जब वो 5 से 10 साल का हुआ है और इब्राहिम 90 क्रॉस कर गए, 90 का बैरियर क्रॉस कर गए, जब मुर्गी को ज़बह करते भी हाथ कांपे, 90 बरस 92 साल का बुड्ढा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता। तो उसको कहा जा रहा बच्चा ज़बह कर। मीना के पहाड़ सख्त आतारी है, हवाएं थम चुकी है, सूरज मदहोश हो रहा है, आसमान के फरिश्ते टिकटिकी बांध रहे हैं और उनके सांस अटक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये बूढ़ा कर जाएगा, क्या ये अपने बच्चे पर छुरी चला जाएगा। बांध रहे हैं हाथ और पांव। अबे बच्चे ने कहा था मुझे उल्टा लेटाना, सीधा ना लेटाना, कहीं तेरी नजर पड़े मेरे चेहरे पर और फिर तू रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, सीधा उल्टा। तल्लहू लिल जबीन, इस्माइल की वसीयत को कुरान ने बयान किया, माथा हे उनके घुटने को उनकी कमर पे रखा और ऐसे सर के बाल पकड़े, एक हाथ में छुरी एक हाथ में सर के बाल, और यूं आसमान को देखा, और यूं थोड़ा सा ऊपर उठाया ना ताकि नीचे से छुरी चलाए। वो छुरी चला के मुतमईन है, वो छुरी चलवा के मुतमईन है, पता चला कि मेरी सोच गलत है, किसी और तरफ सुकून है, जहां मैं ढूंढ रहा हूं वहां नहीं है, अपनी मर्जी पूरी करने में नहीं है, अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है। यूं पकड़ा, घुटना रखा, यूं देखा, आसमान को देखना था कि फरिश्तों की चीखें निकल गई, कहे अल्लाह है, काश वो मीना के पहाड़ होते जहां ये किस्सा हुआ, अब तो हाजियों की वजह से उन्हें तोड़ना पड़ा। ऐ अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है? तू ये समझता है कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल तुझसे ज्यादा होगी? नहीं नहीं, मेरे अंदर तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है, और अगर कोई मेरा तूने इम्तिहान लेना है मैं हाजिर। एक इस्माइल किया लाखों कुर्बान हो सकते, छुरी चला दी। अगर मेरा रब सिर्फ देख ही रहा था कि खलील कहां तक जाता है, यारी निभती है कि दरमियान में टूटती है, अरे तुमसे बच्चों पे छुरियां नहीं चलवा रहा, तुमसे कह रहा गलत काम छोड़ दो, वो तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का जरिया है,
या मौत से टक्कर लेके दिखा दो, या कब्र के गड्ढे में जाने से इनकार कर दो, या मौत के बाद खड़े होने से इनकार कर दो, या मेरे रब की जहन्नम को पानी से बुझा दो, मेरे अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो और कह दो कोई अल्लाह नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ जो मर्जी करो। इधर सब कुछ मानते हो, इधर उसी से बगावत करते हो, ये क्या इस्लाम है, ये क्या जिंदगी है। ए अल्लाह नाराज हो गया है कि मेरे दिल में इस्माइल तुझसे ज्यादा नहीं, मेरे रब इधर तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है। और अगर नाराज नहीं कोई मेरा पेपर ले रहा है तो मैं हाजिर हूं, ये ले। अल्लाहु अकबर। जो छुरी चलाई सातों आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल, दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, दो दफा सातों आसमान के फरिश्ते, एक यहां इब्राहिम और इस्माइल के इस किस्से पर।